जो हमारा रामन है, रामन इतना 52 फुट का है, वो देखने योग्य नजारा होगा। उसकी खोपड़ी घूमेगी, मुंह में से आग छोले निकलेंगे। सभी हांसी वासियों को नई सब्जी मंडी के प्रधान बाबा जीवन दास रेवड़ी की ओर से दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शहर वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोलो कोनू। जिस समय हम खड़े हैं पुराना बस स्टैंड हांसी पर, रात का समय हो चुका है और बड़ी अपडेट आ रही है जो अब तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रावण को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। स्थान क्या रखा गया, कितना बड़ा फूट रावण जलाया जाएगा, कहाँ पर जलाया जाएगा, हांसी का ऐतिहासिक रावण 2 वर्ष बाद हांसी में फिर फूकने जा रहा है। ध्यान होगा, रावण ध्यान होगा, उसको कौन करेगा, ये भी एक जानने वाली बात है, सियासत की बात है। और उसको लेकर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान, जो कि रावण ध्यान का कार्यक्रम है उसको लेकर प्रधान है जो उसके बनाए गए हैं, वो हमारे साथ है मुकेश मुढ़ालिया, जो पार्षद प्रतिनिधि भी है और समाज सेवी भी है, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ साथ राजीव शर्मा, कोई आम व्यक्ति नहीं है, शहर के परिचित व्यक्ति है और व्यापार मंडल के नेता भी है, और इस जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी देखरेख में क्या जा रहा है। तो रमेश मेहता को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, बट बोल रहे हैं बहुत अच्छे बोलते हैं। हम बातचीत करेंगे सबसे पहले मुकेश मुढ़ालिया जी से। प्रधान जी नमस्कार, तो शर्मा जी बात करते हैं। शर्मा जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो सभी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आदर्श रामायण मंच पिछले 35-40 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे, क्योंकि रामलीला भी हुआ करती थी और आदर्श रामायण मंच दशहरा उत्सव भी मनाया करता था। तो हमारे ये सीनियर साथी हैं सबके साथ, तो अब के हमारे ये प्रधान जी हमारे मुकेश मुढ़ालिया का बनाया, क्योंकि कैप्टन हमारे किशन सचदेवा जी लगातार हमारे प्रधान रहे, उसके बाद उन्हें सरपरस्त का दायित्व दिया गया और अब ये प्रधान है, इनकी जिम्मेवारी है। मैं महासचिव हूँ, कोषाध्यक्ष है, हमारे प्रचार सचिव है साथी जोगिंदर सिंह। रावण कहाँ ध्यान किया जाएगा, एक बार ऑटो मार्केट ग्राउंड में 52 फुट ऊँचा रावण जलाया जाएगा, जिसमें बुलंदशहर के बहुत ही आपके आतिशबाजी के माहिर माने जाते पूरे देश में, उनकी रंग बिरंगी आतिशबाजी दिखाई जाएगी। और सबसे बड़ा महत्व यह है कि हमेशा ही आदर्श रामायण मंच 10 सिरों को हवा में उड़ाया जाते गुब्बारे की शक्ल। आदर्श रामायण मंच के द्वारा 10 सिरों को हवा में उड़ाया जाएगा और भव्य रूप से रावण को ध्यान किया जाएगा, हास्य में झांकियां भी निकाली जाएगी। झांकियां भी इससे पहले कि शाम को 5 बजे तो वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, जो 6 बजे हमारा ये रावण दशहरा उत्सव जो कि ऑटो मार्केट ग्राउंड में वहाँ मनाया जाएगा। इससे पूर्व हम दोपहर 2 बजे के बाद भगत सिंह रोड, जहाँ पर हम यहाँ पर रामलीला खेला करते थे, रामलीला खिलाया करते थे, वहाँ से हमारा वही सिस्टम चलता रहा है। वहीं से ही हम हमेशा ही भगवान श्री रामचंद्र भगवान जी की झांकियाँ और सुंदर सुंदर झांकियाँ, मनमोहक झांकियाँ होंगी, जो कि शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई दशहरा उत्सव स्थल ऑटो मार्केट ग्राउंड में पहुँचेगी। शर्मा जी रावण ध्यान कौन करेगा, कौन है मुख्य रूप से आदमी? हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री विनोद भ्याना जी होंगे। अच्छा, रावण ध्यान विनोद भ्याना जी करेंगे। हाँ जी, वो मुख्य अतिथि हम होंगे, श्री विनोद भ्याना जी विधायक हल्का हांसी, और हमारे वशिष्ठ अतिथि प्रमुख समाज सेवी श्री मदन मोहन सेठी होंगे। देखिए बता दें आपको, रावण ध्यान का जो कार्यक्रम है उसके मुख्य अतिथि हांसी से विधायक विनोद भ्याना है, और समारोह की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रसिद्ध समाज सेवी उद्योगपति मदन मोहन सेठी। लगातार जो अपडेट है वो आपको तक पहुंचा रहे हैं। आपको फिर बता दें कि रावण ध्यान 52 फुट का होगा, आदर्श रामायण मंच के द्वारा किया जा रहा है और शहर में झांकियां निकाली जाएगी, उसके बाद रावण ध्यान होगा। हाजी मेहता साहब क्या है जी? मेरे को सबसे ज्यादा पहले खुशी है, मैं हरियाणा पोल खोल न्यूज का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप गांव में भी शहर में भी आपका हरियाणा में मेरे अनुसार पहला नंबर है, और आप हमारे लिए भी पहले नंबर पर ये सूचना लेने आए हो। तो जो हम ये रावण दहन कर रहे हैं, ये 52 फुट का रावण होगा, और मेरे हिसाब से जो ये आतिशबाजी है अब की बार तो कमाल की होगी। हमारे विधायक ब्याना साहब ने हमें छूट दे दी है आतिशबाजी में, शहर वासियों को खुश करना है और रावण का दहन करना है। रावण दहन होने के बाद राम राज होगा, दुकानदारों का काम चलेगा, इतना जो मंदिर में बैठे हैं नोटों से भर जाएंगे। मेरी तो हांसी वासियों से प्रार्थना है
ऑटोमेटिक पे पहुंच गए। तुमने आज तक इतनी बड़ी आतिशबाजी नहीं देखी होगी, मुंह में उंगलियां दबा लोगे, बहुत खुश होगे, बल्कि बाहर के लोग भी मुंह में उंगली दबाएंगे, कान को बंद करेंगे। जो हमारा रावण है, रावण इतना 52 फुट का है, वो देखने योग्य नजारा होगा। उसकी खोपड़ी घूमेगी, मुंह में से आग छोले निकलेंगे। मेरी तो हांची वासियों से प्रार्थना है, अब की बार ऑटो मार्केट में आके आप शहर की आन बान छान, बिनौर हरियाणा की भी आन बान छान लाकर और रावण को खूब अच्छी तरह देखे। हमेशा ही भीड़ सबसे ज्यादा आदर्श मैन मंच का ऑटो मार्केट ग्राउंड में रहा है, ये हमेशा ही तैयार, क्योंकि 36 बिरादरी के लोग वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमेशा ही कार्यक्रम अच्छा होता है, सद्भावपूर्वक कार्यक्रम होता है। हमारे बहुत ही सारे ही जो हमारे यहाँ के मेंबर हैं बहुत ही सम्मान करने वाले, हर सम्मानित सदस्य हैं और पब्लिक भी जो आती है वो भी पूरा हमें कोऑपरेट करती है। शर्मा जी, आपके प्रधान जो है कहीं ढीले लग रहे हैं। नहीं, ढीले नहीं है। ये हमारे उप प्रधान थे, हमारे लगातार संस्था के साथ उप प्रधान भी रहे हैं और ये हमारे पार्षद प्रतिनिधि भी है, अभी इनको दायित्व दिया गया है और बहुत अच्छा कार्य। सभी से अपील है कि 52 फुट का रावण जला जाएगा ऑटो मार्केट में, रमान आदर्श रमान मंच के द्वारा सभी पहुंचे। 5 तारीख को बुधवार का दिन है, शाम को पहुंचना है। हाँ जी, हाँ धन रावण धन स्थान है ऑटो मार्केट, कल नजदीक काली देवी मंदिर हांसी। और समय क्या रहेगा? समय 5 बजे का रहेगा। टाइम और डेट क्या है? डेट 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर, हाँ जी 5 अक्टूबर। ये प्रधान जी ने बता दिया, डेट 5 अक्टूबर है, शाम को 5 बजे ऑटो मार्केट स्थान है हांसी में। क्यों? बुधवार वार है, बुधवार का वार है। सभी पहुंचे वहाँ और ऐतिहासिक रावण दहन होगा। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज जी खास रिपोर्ट।